हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका अपने यूट्यूब चैनल टेलीविजन में स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे इंट्राडे का एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी या इसको टिप भी बोल सकते हैं आप, ये बैंक निफ्टी को निफ्टी साथ हैज करने की स्ट्रेटजी है। मतलब आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग होंगे और अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट जाने लगे तब आप उसको निफ्टी से हैज करेंगे। तो इसमें कैपिटल आपका बहुत कम लगना है और रिटर्न बहुत अच्छा होगा। इसमें मैं आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा मैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और जो नए बायर्स हैं, जो नया जिन्होंने नई ट्रेडिंग चालू की है और समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, देखिए आप अगर शेयर मार्केट में आए तो आप ये सोच के आएँ कि आपको अर्न करना है, और शेयर मार्केट में अर्निंग करना उतना ईजी नहीं जितना लोग सोचते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको समझने में और उसको डिप्लॉय करने में आपको शायद ही कोई दिक्कत जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको करना क्या है हमको मैं आपको बता दूँ। ये मैंने ऊपर बैंक निफ्टी का और नीचे निफ्टी का मैंने चार्ट लगा कर रखा है। चार्ट आपको 15 मिनट का ही यूज़ करना है, 5 मिनट या इससे कम का काम नहीं करेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी को के चार्ट को ऐसे ऊपर ही लगा लेना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको पहली 15 मिनट की कैंडल, जैसे ये आप देख रहे हैं 1 तारीख को, 1 तारीख की बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, इसका जब हाई ब्रेक होगा तब आप ट्रेड देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इसका हाई ब्रेक हुआ, आप इसमें ट्रेड देंगे यहाँ से, और इसको आप जब तक आपका मार्केट बंद नहीं जाता, या फिर आप अगर इंट्राडे बेसिस में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 3:15 तक आप इसमें रहेंगे ट्रेड में। तो ये देखिए 3:15 में इसने 572 रुपये तक का मूव दिया है। हम निफ्टी को बैंक निफ्टी के साथ हैज तभी करेंगे जब हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाने लगे, या बैंक निफ्टी हमको अलग मूव दिखाए और निफ्टी हमको अलग मूव दिखाए। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना उसको। तो ये मैं 1 अप्रैल से इसको टेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। तो 1 अप्रैल से आपको करना कुछ नहीं है, आपको 15 मिनट की पहली कैंडल को देखना है, इसका हाई और लो चेक करना है आपको। नेक्स्ट कैंडल क्या ब्रेक कर रही है इसकी, अगर उसका हाई ब्रेक कर चुकी है तो आपको उसकी 3rd कैंडल से यहाँ से आपको एंट्री देनी है। तो अगर आप यहाँ से एंट्री देते जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो ये आपको 500 पॉइंट करीब का मूव दे चुकी है, 550 करीब पॉइंट का मूव दिया इसमें, और आपको उसको 3 बजे तक ही रखना है। आपको बीच में कुछ भी नहीं करना है, ना इसको स्क्वायर ऑफ करना है, ना कुछ करना है, 3 बजे तक आपको रखना है, भले ही मार्केट कहीं भी जाए। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी में डिज़ाइन ही ऐसी है कि उसको आपको 3 बजे तक रखना पड़ेगा। अब अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस वाले ट्रेड में बैंक निफ्टी ने अपमूव दिया है और निफ्टी ने भी, आप देखेंगे निफ्टी ने भी अपमूव दिया है, तो हम निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस वाले केस में हमारा ट्रेड सिर्फ बैंक निफ्टी में बनता है, हम निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम आते हैं 4 तारीख को, ये 4 तारीख की कैंडल है, ये 4 तारीख की कैंडल हम इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा आ गया निफ्टी। अब हम देखेंगे क्या हमारा हाई ब्रेक होता है। तो आप देखेंगे इस पॉइंट में हमारा हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देख लेता हूँ। ये आपका हाई है, इस कैंडल ने आपका हाई ब्रेक किया, आप इस कैंडल से ट्रेड लेंगे। इस कैंडल से अगर आपने ट्रेड लिया है, मैं आपको लाइन की देता हूँ यहाँ से, अगर आपने इस कैंडल से ट्रेड लिया तो आप यहाँ से आपने ट्रेड लिया है और आपने 3:15 या 3:03 तक आपने ट्रेड किया, तो आपको 355 पॉइंट का इसने मूव दिया है। इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इसमें कुछ नहीं, आपको बस ट्रेड डाल के उसको भूल जाना है, इसलिए इसको ट्रेड एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी का नाम दिया मैंने। अब इस केस में भी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने अपमूव दिया है और साथ में निफ्टी ने भी अपमूव दिया है, तो इसलिए निफ्टी में ट्रेड इसमें नहीं लेंगे। अब हम आते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को क्या हुआ, ये हम 5 तारीख को हैं, 5 तारीख को 15:15 पे, तो ये हमारी पहली कैंडल बनी, ये हमारी दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल के लो को ब्रेक किया, हमें 3rd कैंडल से ट्रेड लेंगे।
अब इस थर्ड कैंडिडेट अगर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ से हम ट्रेड हमने ट्रेड लिया तो हमको इसमें 3 बजे तक 177 पॉइंट का मूव दिया, आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा इसमें। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने भी हमको डाउन मूव दिया है। हम सिर्फ अपोजिट ट्रेड लेंगे, हम एक से ट्रेड दोनों में नहीं लेंगे, तो इस दिन भी आपका निफ्टी में ट्रेड नहीं हुआ। अब हम 6 तारीख को जाते हैं, 6 तारीख को क्या हुआ था, 6 तारीख को देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आपको डाउन मूव दिया, ये आपकी पहली कैंडल। ये सेकंड कैंडल में आपका लो ब्रेक नहीं हुआ और ये थर्ड कैंडल में आपका लो ब्रेक हो गया। तो फिर फोर्थ कैंडल से आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे और इसको आप लेंगे 3:15 तक। तो आप देखेंगे इसमें आपको 60 पॉइंट का लॉस हो रहा है और इस केस में आप देखेंगे कि आपका निफ्टी ने हाई ब्रेक किया है क्या, तो निफ्टी ने आपने आपके हाई ब्रेक नहीं किया है, तो इस वाले ट्रेड में आपको 63 पॉइंट का लॉस हुआ है। अब हम 7th को आते हैं, 7 तारीख को क्या हुआ था, 7 तारीख को EM 7 तारीख को आ गया। अब देखिए 7 तारीख को बैंक निफ्टी ने आपकी इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो आप थर्ड कैंडल ट्रेड लेंगे, थर्ड कैंडल आप ट्रेड लेंगे और आप ट्रेड लेंगे 3 बजे तक, 3 बजे तक का ट्रेड आप ले लिए, तो ये आप इसमें 27 पॉइंट के लॉस में हैं, क्योंकि ये आपके बाइंग पॉइंट से नीचे चला गया है, यहाँ आपको लॉस हो रहा है। और निफ्टी में हम देखते हैं क्या हुआ है, निफ्टी ने देखिए अपना निफ्टी ने हाई इसका लो ब्रेक किया है, निफ्टी का लो, ये आपका निफ्टी है, ये इसका लो है, अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करें कि निफ्टी का लो, तो ये आपको इसने आपको लॉस दिया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। मैं आपको और क्लियरली दिखा दूँ, इसमें ये बैंक निफ्टी का हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपने थर्ड कैंडल ट्रेड लिया, थर्ड कैंडल ट्रेड लिया, ये आपका मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो ये यहाँ तक आ रहा है आपका थर्ड कैंडल। तो आप थर्ड कैंडल में नीचे बंद होते हैं, मतलब आपको 31 पॉइंट का लॉस हो रहा है। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने अपना लो ब्रेक किया इस पॉइंट में, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे आपने आपका लो ब्रेक हुआ, आप इसी पॉइंट से इस पॉइंट से ट्रेड लेंगे इस पॉइंट से, और आप इसको भी 3:15 तक या 3 बजे तक आप लेके चलेंगे इसको, तो 3 बजे तक मैं लेके चला गया, तो इसमें आपको 70 पॉइंट का फ़ायदा हुआ और इसमें आपको 20 पॉइंट का लॉस हुआ। इसी तरह मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे आपको कैसा दिखेगा, देखिए मैं आपको 8 तारीख को लेके जाता हूँ। 8 तारीख को हम ये हम पहुँचे यहाँ पे, देखिए 8 तारीख को बैंक निफ्टी ने इसका हाई, बैंक निफ्टी का 8 तारीख को 15 मिनट के अंदर का हाई ये है, और ये आपका ट्रेड बनेगा इस कैंडल से थर्ड कैंडल से, और आप ट्रेड एंड करेंगे 3:15 में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें तो। ये मैं आ गया 2 बजे और ये हमारा 23 पॉइंट का लॉस हमको इसमें हो रहा है बैंक निफ्टी में, ये 3 बजे से 3:15 की कैंडल है, आपको इसमें लॉस हो रहा है 23 पॉइंट का। और अगर आप निफ्टी को देखें तो क्या निफ्टी ने इस दिन हमारा लो ब्रेक किया है, ये निफ्टी है, ये निफ्टी का लो है, ये निफ्टी के लो ने लो ब्रेक हुआ है इसका, जी हाँ इसका लो ब्रेक हुआ है। आप ट्रेड कब लेंगे, आप ट्रेड लेंगे ये पहली कैंडल ने लो ब्रेक किया, आप सेकंड कैंडल से ट्रेड लेंगे, तो आपने सेकंड कैंडल से ट्रेड लिया, थर्ड कैंडल से आपने ट्रेड लिया है और आपको 3:15
यहाँ तक आपको ट्रेड लेना है, आपको 115 पॉइंट का इसमें लॉस हो रहा है। तो ये दिन तो हमारा टोटल लॉस में चला गया है। अब हम एक दिन और आगे चलते हैं, अब हम आते हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को, अब 11 तारीख को हमको देखना है कि क्या हमारा बैंक निफ्टी का हाई या लो ब्रेक हुआ है। ये बैंक निफ्टी का हाई है, ये हाई हमारा ब्रेक हुआ है। क्या हमारा निफ्टी का लो ब्रेक हुआ है? आपको अपोजिट ट्रेड लेना है। क्या निफ्टी का हमारा लो ब्रेक हुआ है? जी, निफ्टी में हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो क्योंकि ये कैंडल नीचे आई थी, आपको नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड लेना था, नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई यहीं से, फिर ये आपका ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि 3:15 तक हमारा क्या पोजीशन होती है। ये हम अगर 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे हमको 74 पॉइंट का इसमें लॉस हो रहा है, और आगे चलते हैं। आगे क्या होता, ये हम आ गए 12 तारीख को। 12 तारीख को क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का हाई या लो ब्रेक हुआ है? हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपका हाई है, ये आपके आपका ही सेकंड कैंडल ब्रेक हुआ, आपने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लगाई, इस पॉइंट से आपने लॉन्ग पोजीशन लगाई, और आपको 3:15 रोकना है। ये आपको 3:15 यहाँ पर आ रहा है, आपको 275 पॉइंट का 272 पॉइंट का आपको इसमें प्रॉफिट दिया। हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी का लो ब्रेक हुआ है। तो हम 12 तारीख को निफ्टी में आते हैं, निफ्टी का लो ये है 12 तारीख का, निफ्टी का लो ब्रेक हुआ है क्या? जी हाँ, निफ्टी का लो ब्रेक हुआ है। अब हमको निफ्टी में ट्रेड कहाँ से लेना है? हमको थर्ड कैंडल ट्रेड लेना है। थर्ड कैंडल से आपने ट्रेड लिया, ये आप इस जगह से ट्रेड लिया आपने, और ये आपका 3 बजे तक का कैंडल ये है, ये आपको 10 पॉइंट का लॉस दे रहा है। यहाँ आपको 272 पॉइंट का प्रॉफिट है, यहाँ आपको लॉस। अब हम 13th को जाते हैं, जो हमारा अब तक का आखिरी दिन है। 13th को क्या हुआ था? 13th को क्या बैंक निफ्टी के हाई या लो ब्रेक हुए थे? अब देखेंगे कि यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ था 15 मिनट कैंडल में। क्या निफ्टी का हमारा हाई ब्रेक हुआ? निफ्टी का ये हमारा हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब हम सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से आपने कैंडल ने ब्रेक दिया, यहाँ पे आप इस कैंडल से ट्रेड लेंगे, और इस कैंडल से आप ट्रेड लेके आप 3:15 तक ट्रेड में रुकेंगे। ये 3:15 का आखिरी कैंडल लेंगे, ये आपको 291.95 का आपको उसने मूव दिया। ये है स्ट्रेटेजी। मैंने इसका एक बैक टेस्ट बना के रखा है, जो आपको मैंने अभी बैक टेस्ट करके दिखाया है, इसी का बैक टेस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मैं आपको आपके को प्रोवाइड करूँगा, ये जो भी बैक टेस्ट मैंने किया है। जी ये है वो बैक टेस्ट जो मैंने किया था। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 अप्रैल को, जैसे मैंने आपको दिखाया, 1 अप्रैल को बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ और निफ्टी में ट्रेड नहीं हुआ, मैं बैंक निफ्टी से 15,300 पॉइंट कमाए। ये मैं फ्यूचर से कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में पेयर ट्रेड कैसे लेते हैं, और उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप ऑप्शंस का, कि ऑप्शंस आपको बराबर मूव दें, क्योंकि बैंक निफ्टी का ऑप्शन हमेशा थोड़ा हायर साइड होता है और निफ्टी का ऑप्शन थोड़ा लोअर साइड होता है, उसको आप कैसे मैच करें दोनों के प्रीमियम को, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। पर ये मैंने फ्यूचर के हिसाब से ट्रेड लिया था मैंने, कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर खेला है और निफ्टी का जरूरत पड़े तो खेलेंगे तो नहीं खेला, तो ये हमारा ट्रेड बनता है। देखिए, हमको इसमें इस पूरे दिन में 1 से लेकर 13 तक में हमने, ये हमारा 1st अप्रैल है, ये 4th अप्रैल है,
फिफ्थ सिक्स हमको 2 दिन इसमें लॉस हुआ है, क्योंकि हमको पता हूँ 2 दिन में हमको लॉस हुआ ही है जो मैंने आपको दिखाया भी अभी। और इसको आप टोटल करें 13 दिन की इनकम 50,975 रुपये होती है। ये फ्यूचर का ट्रेड है। आप इसको अगर आप ऑप्शन में करते तो हो सकता है आपको 50,000 रुपये ना मिलता, आपको 25,000 रुपये मिलता या 20,000 रुपये मिलता, क्योंकि ऑप्शन का मूवमेंट आप 58 तक ऑप्शन भी देते तो 50% ही मूव करता, 50% मूव करता और थोड़ा टाइम डिके भी होता उसमें। तो अगर सब चीज़ को आप अगर आप अकाउंट में लेते करीब करीब 20-21,000 रुपये का आपका ये टोटल प्रॉफिट बनता, और हो सकता है आपका लॉस भी कम हो जाता क्योंकि आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका एक तरीका है जिसमें से आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। रही बात अगर आपको फ्यूचर नहीं लेना है, आपके पास उतना कैपिटल फ्यूचर लेने लायक नहीं है, तो आप फ्यूचर सिंथेटिक फ्यूचर बना सकते हैं। सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बनाते हैं कि आप 50 का कॉल बाय कर दें और 50 डेल्टा का कॉल बाय करें और 50 डेल्टा का पुट स्टॉप कर दें। इससे ये आपका डाउन ट्रेंड के लिए आपका फ्यूचर बन जाता है, फ्यूचर आपने शॉर्ट कर लिया है। और अगर आपने इसका उल्टा किया तो आप फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेशियो अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी काम करती है, और ख़ासकर ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है। जैसे कि मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाया हूँ, 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक का टेस्ट करके दिखाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको आप यूज़ करें, इसको आप, ये बहुत सिंपल है बैक टेस्ट करना, इसको कठिन काम नहीं है। आपको ऐसी एक्सरसाइज बनानी है और मंथ वाइज मंथ इसको आप टेस्ट करें। मेरे ख्याल से आपको 1 मंथ टेस्ट करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। आप ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 महीने, 6 महीने टेस्ट करें, आप 6 महीने में क्या रिटर्न होता है अगर आप रेगुलरली स्टेट को किए होते, तब आप उसको आप शेयर करें मेरे साथ। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताएं मेरे को। आप बैंक निफ्टी को इस ट्रेड में अपने को अहमियत देनी है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए हम बैंक निफ्टी को देख के ट्रेड लेंगे। अगर बैंक निफ्टी का हाई ब्रेक होता है तो हम उसमें बाय करेंगे, और निफ्टी का जब तक लो नहीं ब्रेक होगा तब तक हम निफ्टी को नहीं छूएंगे। तो निफ्टी हमारे लिए सेकेंडरी हो गया, हम निफ्टी को ट्रेड सिर्फ हैच करने के लिए लेंगे जब हमको लगेगा कि हमारा लो साइड ब्रेक हो रहा है। तो ये तो होगा क्या कि अगर आपका बैंक निफ्टी अगर अपने हाई या अपसाइड या डाउनसाइड के लिए ट्रेड लिया और वो आपके यहाँ पॉजिटिव जाने लगा, तो निफ्टी उस समय, क्योंकि निफ्टी को आप हेज करेंगे साथ में, तो आपको वो प्रॉफिट निफ्टी दे देगा जो आपका लॉस कवर करेगा। तो ये है स्ट्रेटेजी का टोटल थीम। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको टेस्ट करें और टेस्ट करके मेरे साथ शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप में कि क्या आपको समस्याएं, किस मंथ में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या किस वीक में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसको आप करके बताएं। और जिस दिन जैसे एक्सपायरी का दिन है या वेडनेसडे का दिन है या थर्सडे का दिन है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप एक्सपायरी के दिन वाला ट्रेड और उसके दिन पहले, मतलब वेडनेसडे का ट्रेड, आप नेक्स्ट वीक का ट्रेड लें, करंट वीक का ना लें, क्योंकि आपको प्रीमियम बहुत तेज़ी से एरोड होते हैं। और अगर बैंक निफ्टी निफ्टी साइलेंट रहेगा कुछ समय तो फिर हो सकता है आपको लॉस देखने को मिले उसमें। तो आप इसको भी ध्यान रखें कि आपको आपको डिके का लॉस ना हो। अच्छा, दूसरा ये कि हम, क्योंकि पूरे दिन हम इस ट्रेड को रखने वाले हैं, तो देखिए डिके तो होगा, मतलब उससे तो आप नहीं बच सकते। इसलिए मैं, मेरा सोचना और कहना ये है कि आप वेडनेसडे और थर्सडे को आप नेक्स्ट वीक का ट्रेड लें, करंट वीक का ट्रेड ना लें। तो ये था मेरा वीडियो बैंक निफ्टी को निफ्टी साथ हेज करने का, जिसको मैंने नाम दिया है ट्रेड एंड फॉरगेट। इसको आप सिर्फ आपको सुबह में डालना है और बीच में देखना है कि क्या आपका लो या हाई ब्रेक हो रहा है निफ्टी का, और फिर उसको आपको 3:15 तक कंटिन्यू करना है। तो ये था मेरा वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करके बताइएगा। और हमारी प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं काम के, जो आपके काम आ सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपको दोस्त समित, लिंक में हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।